सिद्धार्थनगर के रंवापुर जगत राम गाँव में बीजेपी के पूर्व विधायक जीपी तिवारी के बेटे वैभव तिवारी की बरसी में उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य शामिल हुए। उनके साथ बस्ती के सांसद हरीश द्विवेदी, विधायक सतीश द्विवेदी, रवि सोनकर व संजय जायसवाल, पूर्व मुख्यमंत्री राजू श्रीवास्तव के अलावा बीजेपी के क्षेत्रीय अध्यक्ष उपेंद्र शुक्ला भी मौजूद रहे। उप मुख्यमंत्री के पहुंचते ही वहां पर मौजूद लोग भावुक होकर वैभव हत्याकांड की सीबीआई जांच की मांग करने लगे। वहीं उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने 16 दिसंबर को लखनऊ में हुए वैभव की हत्या को दुखद बताया। उन्होंने कहा कि पूर्व विधायक जीपी तिवारी हिंदुवादी नेता रहे हैं, इनके बेटे की हत्या दुर्भाग्यपूर्ण है। उन्होंने कहा कि इस घटना की पूर्व विधायक ने नहीं, जनता ने सीबीआई जांच की मांग की है, इसलिए सरकार इसको गंभीरता से लेगी। क्राइम स्टोरी के लिए उत्तर प्रदेश के सिद्धार्थनगर से धर्मवीर गुप्ता की रिपोर्ट। सबसे पहले तो मैं, आज यह बहुत दुखद घड़ी है, जीपी तिवारी जी वरिष्ठ नेता हैं, हिंदू नेता रहे हैं और इतनी बड़ी घटना घटी है, मैं संवेदना जाहिर करने के लिए आया हूं। और किसी भी प्रकार की जांच की मांग करना गलत नहीं है, और ये मांग तिवारी जी ने नहीं की, क्षेत्र के लोगों ने की है, जिसको गंभीरता से लेंगे।